नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द सात्विक डाइट। मैं सात्विक डाइट क्यों फॉलो कर रही हूँ? सबसे पहला रीज़न है वेट लॉस, सेकंड कुछ डिसीजेस हैं जो मुझे रिवर्स बैक करने हैं, जैसे कि PCOD, माइग्रेन और भी कुछ डिसीजेस हैं जो मुझे रिवर्स बैक करने हैं, एंड थर्ड वन इज़ मेंटल हेल्थ। हमने हमेशा सुना है कि जैसा अंत वैसा मन, इसलिए मैं सात्विक डाइट फॉलो कर रही हूँ। नॉट ओनली दिस सात्विक डाइट बट 3 steps फॉर डिटॉक्सिफाइंग द अवर बॉडी। सबसे पहला जो कि सात्विक मोमेंट ने रिकमेंड किया है, सबसे पहला स्टेप है एनिमा वेट पैक, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड वन इज 16-hour फास्टिंग। ये तीनों स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ अलॉन्ग विथ डाइट। अभी हम कटहल की सब्जी बनाएंगे, उसके लिए हमें जैक फ्रूट, जिसे हम हिंदी में कटहल कहते हैं, 1 cup आलू, 1 cup कोकोनट मिल्क, ये होममेड मिल्क है, हमने बाहर से नहीं मंगवाया है, टर्मरिक पाउडर, बे लीव्स, रॉक सॉल्ट। हमें इसके लिए ग्रेवी लगेगी, उसके मसाले हैं कोरिएंडर सीड्स, जीरा, जिंजर, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 इलायची, 4 से 5 लवंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किए, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अभी हम इसे बनाने की विधि देखेंगे। सबसे पहले हमें क्ले पॉट में कटहल डाल देने हैं और साथ ही में हम पानी भी ऐड कर देंगे। जब तक ये कटहल पार्शली बॉइल ना हो, इतना पानी हम ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 cup ही पानी ऐड किया है, जितना कटहल था उतना ही पानी मैंने ऐड किया है। इसके बाद भी फिर से हम ऐड कर सकते हैं। अब हम लीड लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए, तब जब तक ये पार्शली बॉइल ना हो, तब तक हम ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी के सारे मसाले हम एक पॉट में डाल देंगे और पॉट में डालने के बाद उसे ग्राइंड करेंगे थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे ग्राइंड करेंगे। हमारा मसाला रेडी हो गया है, मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसकी थिकनेस हमें ऐसी चाहिए थोड़ी, इसलिए हमें थोड़ा पानी ऐड करना है, इसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। अब इस थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कटहल है पार्शियली बॉइल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा बॉइल्ड हो गया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे और जो बेलियूस था वो डालेंगे, और अगर पानी कम पड़े, क्योंकि आलू डाले हैं उसे भी गलना है, तो आप फिर से पानी ऐड कर सकते हो। मेरे इसमें थोड़ा पानी कम था तो मैंने ऊपर से फिर से पानी ऐड किया है। और अभी हम फिर से लीड लगा के रख देंगे जब तक ये हाफ कुक ना हो, क्योंकि इसमें ऊपर से हमें ग्रेवी भी ऐड करनी है। अभी हमने 10 मिनट बाद चेक किया, आलू हम देखते हैं कुक्ड हुए या नहीं। तो आप देख सकते हो आलू तो कुक्ड हो गए ठीक ठाक। तो अभी हम इसमें ऊपर से हल्दी पाउडर डालेंगे और जो हमने मसाला रेडी किया था वो डालेंगे। हम हल्दी पाउडर और मसाला डाल रहे हैं और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला और जो वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमारे जो कटहल है स्पेशली वो पका है या नहीं, क्योंकि कटहल को थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए। तो हम चेक करते हैं इसकी जो बी थी वो हम थोड़ा चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पक गया है। अब हम गैस को टर्न ऑफ कर देंगे। टर्न ऑफ करने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे, रॉक सॉल्ट और जैगरी। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हो। मेरे पास ऐसा अवेलेबल था तो मैं ऐसे डाल रही हूँ। हमने थोड़ा नमक और जैगरी डाला और फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से कोकोनट मिल्क डालेंगे, होममेड कोकोनट मिल्क, और हमेशा कोकोनट मिल्क डालते हुए डालेंगे, तब गैस टर्न ऑफ ही रहना चाहिए, बंद ही रहना चाहिए गैस, क्योंकि कोकोनट मिल्क हीट सेंसिटिव होता है।
और सात्विक में हमेशा गैस बंद ही रहना चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम चेक करते हैं हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है सात्विक कटहल की सब्ज़ी टेस्ट करने का, बनाने का इनफैक्ट। अब हम टेस्ट करते हैं हमारी प्लेट कितनी कलरफुल दिख रही है। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी सब्ज़ी है, आपको एक बार ज़रूर बनाना चाहिए, एक बार तो टेस्ट करना ही चाहिए। जो हम नॉर्मल कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। हमारे यहाँ पे डिनर टाइम में मैंने रॉ पपाया सूप बनाया था, ये भी काफ़ी टेस्टी था। इसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ बाद में शेयर करूँगी मैं। जब से मैंने डाइट फॉलो करना शुरू किया, मैंने एनिमा और फेड पैक लेना 2 दिनों से शुरू किया और उसके 2 या 3 दिन पहले से मैंने डाइट शुरू कर दिया था। जस्ट मुझे इतने ही टाइम में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने, पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो गए। मैं एक शेयर करना चाहूँगी। पहले बहुत थटे उठते थे तो दिन भर मुझे आलस आता था, सोने की इच्छा होती थी, बॉडी ऐसे हैवी हैवी फील होते थे। पर अभी 2 दिन से फिर से मैं 4:30 उठ रही हूँ, पर ऐसे मुझे दिन भर में सोने की इच्छा भी नहीं होती है इतने, और ऐसे बॉडी हेवी भी नहीं लग रही है, अच्छा फील हो रहा है। सो यस, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग जो अभी तक मैंने महसूस की है। पर मुझे 16 आवर फास्टिंग की आदत नहीं थी पहले, मीन्स मुझे थोड़ी थोड़ी देर में खाने की आदत थी। तो अभी ऐसे हो जाता है कि दिन में स्पेशली मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे खाने की क्रेविंग हो जाती है, स्पेशली जो हमारा ब्रेकफास्ट पीरियड है और लंच पीरियड है, मीन्स 11 से 2 के बीच में मुझे इतना ज़्यादा लगता है कि कुछ खा ही लो। तो कंट्रोल करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हुआ तो फिर मैं नारियल की खीरी खा देती हूँ। तो यस, पहले 2-3 दिन मुझे थोड़े हेक्टिक गए इसके वजह से, क्योंकि क्रेविंग होती थी, फिर कंट्रोल करती थी, फिर थोड़ा यू नो कि क्या खाओ क्या नहीं ऐसे, तो थोड़े 2-3 दिन हेक्टिक गए। पर अभी कल से तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसे कुछ लग नहीं रहा कि खाने की इच्छा हो रही है वगैरह, अभी शायद मुझे आदत हो गई है इस चीज़ की। तो यस, ऐसे ही मेरे सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू।